फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का हम जो पढ़ेंगे वो है आपका पार्ट 9 और रूल भी है वो भी आपका 9 है। तो रूल 9 में हमको क्या करना है, यूज ऑफ दीज दोज, मतलब कि हम इसमें सीखेंगे कि दीज और दोज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। दीज का हिंदी होता है ये सब और दोज का हिंदी होता है वे सब, ठीक है। इसका सबसे पहले हम आईडी देख लेते हैं। आईडी का पूरा नेम होता है पहचान, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैं कोई आपको सेंटेंस दे दिया, उसका आपको आईडी पता ही नहीं है कि वह जिस मैच कैसे करें। जिसमें कि वे लोग चोर थे, तो आपको पता है कि ये कि वे लोग चोर थे यह सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन इसको आपको आईडी पता ही नहीं है कि ये कौन सी रूल पे बनेगा कौन सी रूल पे नहीं बनेगा, तो आईडी का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए फिर इसका बनाने का रूल है, दीज दोज प्लस आर या वर प्लस प्लूरल और या फिर एडजेक्टिव, मतलब कि दीज का मतलब क्या होता है, ये सब, या फिर हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। और दोज का मतलब क्या होता है, वे सब, या फिर हम सिर्फ वे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको क्या करना है कि इन दोनों के साथ या तो आपको सेंटेंस में दीज दिया हुआ रहेगा या फिर आपको सेंटेंस में दोज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों आपका एक साथ नहीं दिया हुआ रहता है, उन लोग के साथ आर या फिर वर का यूज करना है। दोनों में जिसमें कैसे यूज करना है, अगर मेरा अंत में है रहा, और का मतलब होता है अगर मेरा अंत में है रहा तब हम आर का यूज करेंगे, लेकिन अगर मेरा अंत में थे रहा तो हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कि वे लोग चोर थे, तो वे लोग चोर थे या फिर वे चोर थे, तो वे क्या हुआ, दोस्त पे जाएगा या फिर वे लोग है तो दोस्त पे जाएगा। फिर क्या है, मेरा चोर थे, अंत में थे है तो मेरा थे है तो किसका यूज करेंगे, वर का, दे वर। और फिर किसका, चोर का मीनिंग होता है थिप, तो थिप से जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल बना रहा है। फिर है कि प्लूरल और, प्लूरल और बनाने के लिए आपको आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो द नाउन द नंबर ऑफ नाउन का वीडियो है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता होगा कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता हो, मतलब कि खासियत को बताता हो, उसके बारे में कुछ विशेष बात करता हो, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हाँ देखिए आपका सेंटेंस में रहेगा जो हम लोग चोर थे ऐसे दे दिया तो ये आपका नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, सिर्फ ये सब वे सब या फिर ये वे, दो में चार में से कोई एक रहेगा तभी बन सकता है आप लोग। जैसे मैं कि हम लोग चोर थे, इसको आप बनाएंगे तो ये हम लोग कहते हैं वी बनेगा, फिर वार, लेकिन क्या ये आपका ये वाला रूल पे बना, ये वाला रूल पे आपका बना, लेकिन जो दीज दोस्त था वो आपका लगा के बना रहा था, ठीक है। और यहाँ पे तो हम भी मतलब कि हम लोग लगा के बना, तो दीज दोस्त में से कोई एक होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वे लोग चोर थे, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे तो वेलो का क्या होता है, दोज होगा, क्योंकि वेलो मतलब देव, वेलो का दोज होगा या फिर वे का दोज होगा, तो हम दोज लिखेंगे। रूल पे पहले ध्यान दीजिए, पहले आप आईडी को मिला लीजिए, क्या है ये या फिर वे या फिर ये सब या फिर वे सब, तो वे सब में वे सब वे लोग हैं या फिर ये लोग या फिर वे लोग। दोस्त मेरा तीन तरीके से देता है, ये सॉरी दोस्त मेरा तीन तरीके से देता है, वे लोग या फिर वे सब, ठीक है। तो मेरा तीन तरीके में से एक तरीका दिया हुआ है वे लोग, तो ये मेरा ये तीन में से कोई एक दे दिया। फिर एडजेक्टिव और प्रोनाउन में से दे दिया है, फिर है और थे में से मेरा थे दे दिया है, इसको बनाइए तो दोस्त लगेगा। दोस्त के साथ अंत में क्या है, थे, तो थे के साथ क्या यूज होता है,
वर तो दोज वर, और प्लूरल और बनाना है तो प्लूरल में यहाँ पे कौन है, चोर, तो चोर का मीनिंग क्या होता है, थीप, THIEF। लेकिन मेरा यहाँ पे प्लूरल और बनाना है ना, इसी कारण हम इसका थीप ना लिख कर थीप्स लिखेंगे, क्योंकि थीप का प्लूरल और होता है थीप्स। ठीक है, आप देखिए ये है मेरा फर्स्ट सेंटेंस। हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। ये दुश्मन है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे ये आपको सबसे पहले देखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आईडी में आइए। आईडी क्या है, ये या वे, मतलब कि ये सब या फिर वे सब या फिर ये लोग या फिर वो लोग, वे लोग। तो आपको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे तब जानेंगे। तो इसमें से ये सब में से कोई एक तो दिया हुआ है, फिर एडजेक्टिव या प्रोनाउन प्लूरल नाउन में से दिया हुआ है, फिर है मेरा है थे में से कोई एक है दिया हुआ है। आपको पता हो कि प्लूरल नाउन हम लोग किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन मतलब होता है किसी एक के बारे में जिक्र नहीं करता है, बहुत सारे के बारे में जिक्र करता है, मतलब कि बहुत सारे के बारे में बात करता है। इसका क्या बनेगा, ये है तो क्या बनेगा, दिस लगेगा तो दिस लगाइए, फिर अंत में क्या है तो क्या बनेगा मेरा, आर लगेगा क्योंकि है के साथ आर, दिस आर। फिर दुश्मन का क्या होता है, इनेमी। देखिए मेरा यहाँ पे क्या होगा, इनेमीज होगा, क्यों, क्योंकि इसको हमको प्लूरल बनाना है। ठीक है, इनेमीज, ये तो हम दो सेंटेंस एग्जांपल में देख लिए। लेकिन आज देखिए हम आपको ऐसा सेंटेंस बनाने वाले हैं, मतलब कि वे लोग चोर थे, तो ये है, तो इससे हम लोग वन ऑफ सिक्स सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि वे लोग चोर थे, वे लोग चोर नहीं थे, क्या वे लोग चोर थे, क्या वे लोग चोर नहीं थे, वे लोग कैसे चोर थे, वे लोग कैसे चोर नहीं थे। सिक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे सिर्फ वे लोग चोर थे से। ठीक है, जैसे मैं हम इसको, ये आपको क्या हुआ, ये है वे लोग चोर थे, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम सीधा साधा होता है, इसमें ना कुछ ट्यूशन पूछता है, ना किसी के ना क्वेश्चन पूछता है, ना नोट लगाता है, ना डब्ल्यूएच वर्ड वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये एकदम सीधा साधा क्वेश्चन होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। और हाँ देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले सॉरी इसलिए क्योंकि थीप का मीनिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे टी होता है। ठीक है, THIEVES, थीप्स गलती से लिखा गया, सी लिखा गया था। फिर हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल के, सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस का। तो वे लोग चोर नहीं थे, ये मेरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, एन एस, और ये है मेरा ए एस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो आपको क्या करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट उसके तुरंत बाद आपको नोट लगाना है। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर या वर, दोनों में से दोनों तो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बगल में आपको नोट को ऐड करना है, मतलब कि नहीं लगाना है। तो वेलो का क्या होता है, वेलो का तो दोज हो जाएगा मेरा, दोज के बाद मेरा क्या यूज होगा, रूल में देखिए आर या वर, यहाँ पे तो वर यूज होगा क्योंकि थे है, तो दोज वर, फिर यहाँ पे नोट है उसके बाद तो नोट लगाएंगे, दोज वर नोट। फिर थीप का क्या होगा, तो थीप्स, अब हम देखेंगे थर्ड सेंटेंस, उसमें क्या होता है कि उसमें मेरा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वे लोग चोर थे, और क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको बनाते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो क्या को आप लोग सबसे पहले हटा लीजिए, ये मेरा
फॉर्मेटिव बनाने का रूल है, ठीक है। अगर हम नोट को हटा देंगे तो ये मेरा फॉर्मेटिव को बनाने का रूल हो जाएगा। ये मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि आइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या वे लोग चोर थे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि रूल में है अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे देगा, मतलब कि आगे सिर्फ क्या आ जाएगा उसके बाद में सारा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको आगे निकाल देना है। मतलब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर वर्ब दोनों है, तो इन लोग दोनों आ जाएगा दिस दोस्त के जगह पे और दिस दोस्त चला जाएगा आर वर्ब के जगह पे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, मान लीजिए कि आ गया है ऐसे और ये यहाँ इधर चला गया है, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले कि रूल में कैसे बन गया आर वर्ब प्लस फिर दिस दोस्त प्लस प्लूरल नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसमें से लगाइए कोई एक ठो हेल्पिंग वर्ब को, तो क्या लगेगा वर, क्योंकि थे के साथ क्या यूज हो रहा था मेरा वर, तो वर लिखे। फिर उसके बाद दीज या दोज में से कोई एक, तो वे लोग है तो क्या होगा दोज, वर दोज। फिर चोर का मीनिंग क्या होता है, चोर का होता है थीप, लेकिन यहाँ पे क्या होगा थीप्स, क्वेश्चन पूछा था तो इसी कारण क्वेश्चन मार्क होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि मेरा इसमें क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन इसमें नहीं लगाकर क्वेश्चन पूछेगा, क्या वे लोग चोर, नहीं थे। ये मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से इन लोगों को दो तरीके से बना सकते हो। आप लोगों को क्या करना है कि आर वर तो आप पहले दिस दोस्त के जगह पे लगा हुआ था और दिस दोस्त आर वर के जगह पे, उसके बाद में दिस दोस्त के तुरंत बाद में, दिस दोस्त क्या कहाँ पे है अभी समझिए, तो यहाँ पे है, इसके तुरंत बाद में आपको नोट लगाना है। या फिर आप अगर ऐसे नहीं बना रहे हैं तो दूसरा तरीका है बनाने के कि आर या वर है उसके तुरंत बाद में नोट लगाना है, तो आर या वर कहाँ था अभी, पहले था तो यहाँ पे नोट लगाना है। आप दोनों तरीके से बना सकते हो, तो क्या वे लोग चोर नहीं थे, तो इसका बनाइए। सबसे पहले क्या होगा, वर या आर में से दोनों में से कोई लिखे तो वर होगा। आप कौन तरीके से इसको बनाना चाहते हैं, वर और वर के बाद तुरंत ही नोट लिख करके, तो इसमें जोड़ दीजिए, वर में नोट जोड़ेगा तो वरंच होगा। और हाँ, जब आप लोग तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब में जोड़िएगा ना नोट को, तो आप लोग को एक काम करना होगा कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा वरंच। फिर मेरा क्या है, दिस दोज में से कोई एक लिखना है, तो मेरा तो यहाँ पे पता है आप लोगों को क्या लिखाएगा, दोज, वरंट दोज, चोर का थीप, लेकिन यहाँ पे थीप्स होगा, क्वेश्चन पूछा था इसी कारण क्वेश्चन मार्क। या फिर आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना पसंद करते हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि यहाँ से नोट हटाइए और यहीं पे नोट को रहने दीजिए, मतलब कि दिस दोस्त के बाद में, तो आप लोग वर यहाँ पे लगाइए, फिर क्या दोस्त, फिर उसके बाद में नोट लगाइए, फिर उसके बाद में थिप्स लिखिए। मेरा क्या हुआ, आप मेरा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये मेरा रहा वन ऑफ फोर सेंटेंस, मतलब कि एक से चार सेंटेंस बनाए हम लोग। अब मेरा दो और सेंटेंस बच गया, वे लोग चोर थे तो दोज वर थीप्स, वे लोग चोर नहीं थे दोज वर नॉट थीप्स, क्या वे लोग चोर थे, वर दोज थीप्स, क्या वो लोग, वे लोग चोर नहीं थे तो वरेंट दोज थीप्स या फिर वर दोज नॉट थीप्स। हम देखेंगे अब कि वे लोग कैसे चोर थे, ठीक है। ये है मेरा डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन, मेरा फिफ्थ सेंटेंस है वे लोग कैसे चोर थे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब नाइन होते हैं, नाइन होते हैं, उसमें से एक है मेरा कैसे, कैसे क्यों कब ये सब होता है नाइन, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन लग गया, तो ये वाला रूल तो लगेगा नहीं, इसी का ये वाला को मिटा दीजिए। क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड में कि सबसे पहले आपका
जो WH वर्ड रहता है उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो लोग सब में से कौन है कैसे, तो कैसे का मीनिंग क्या होता है हाउ। फिर हाउ के बाद क्या लिखा जाता है कि आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाते थे, हाउ के बाद वर या फिर आर लिख करके, तो थे है तो क्या बनेगा वर, हाउ वर। फिर हम क्या लिखते थे दीज या दोज में से, तो यहाँ पे तो दोज लग गया क्योंकि वे लोग हैं, तो हाउ वर दोज। फिर थिप का थिप्स, ये भी मेरा WH वर्ड का क्वेश्चन है तो क्या होगा, लेकिन इसमें मेरा क्या होगा कि इसमें भी मेरा क्वेश्चन मार्क अंक में लगेगा। फिर मेरा हम सिक्स सेंटेंस देख लेते हैं, वे लोग कैसे चोर नहीं थे। तो ये मेरा क्या है WH वर्ड में नोट लगा करके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे WH वर्ड में मेरा नोट लगा करके है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आप इसको बनाए थे वैसा ही आपको इसको भी बनाना है। सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकालिए और जैसे आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाए थे वैसा ही इसको भी बनाइए। तो पहले वर लिखिए, वर में हम क्या किए थे उसका शॉर्ट फॉर्म लगा दिए थे वेरेंट, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। फिर दोज थीप्स, या फिर आप इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका बनाने का दूसरा नियम भी है हाउ, यहाँ पे सिर्फ वर लिखिए, फिर यहाँ पे दोस्त दीजिए, फिर उसके बाद में नोट, फिर थीप्स, ठीक है। तो ये रहा मेरा वन ऑफ सिक्स सेंटेंस, मतलब कि वे लोग चोर थे, इससे हम लोग क्या किए वन ऑफ सिक्स सेंटेंस बना लिए। तो दोस्तों ये वाला तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये है जो मेरा पार्ट 9, उसमें हम यूज ऑफ दिस दोस्त का करना सीखे, लेकिन पार्ट 10 में हम सीखेंगे वो मेरा अलग रहेगा, तब तक के लिए थैंक्स।